बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाले हैं। मैं हूँ हकीम अमर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन इकराम, मैं को ख़ास एक जो निबातात की किस्म है, एक जड़ी बूटी है शोलंगी, जिसको आम ज़बान में बरू कहते हैं। उसके ख़वास फिर इंशाल्लाह ताला मुकम्मल उसके तफसील, उसकी सही शक्ल सूरत भी आपको दिखाएंगे। ये देखें नाज़रीन इकराम, ये शलंगी के बीज हैं। ये आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये शलंगी के बीज हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैं ये एक जंगली बूटी है, तो मैं इसकी अपने बगीचे में इसकी पैदावार करने लगा हूँ। तो नाज़रीन इकराम, आप भी कर सकते हैं इस तरह की जंगली जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही जो उनकी शक्ल सूरत आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह आपने थोड़ी सी ज़मीन तैयार करनी है। आपके पास अगर थोड़ी सी ज़मीन है तो अपने घर में, अपने खेत में, अपने लान में, अपने बगीचे में आप इस तरह थोड़ी सी जगह बनाकर आप तमाम जड़ी बूटियों को आप ना करो बेटा देख सकते हैं उनकी सही शक्ल सूरत, क्योंकि अगली नस्ल में ये इलम हमने मुंतकिल करना है। तो जंगली जड़ी बूटियों को मैं फलमाता हूँ, 200 से ज़ायद भी जड़ी बूटियाँ की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो मज़ीद इंशाल्लाह ताला नई बहुत सारी जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके फ़ायदे, उनकी ख़वास जो है आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो ये शलंगी के बीज मैं बोने लगा हूँ। अजला बोतल में पानी देना। तो ये देखें नाज़रीन इकराम, ये शलंगी के बीज मैंने बो दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये एक या डेढ़ मंथ में इसके पौधे जो है काफ़ी इतने इतने बड़े हो जाएंगे। तो हम इनको सही शक्ल सूरत भी आपको दिखाएंगे कि शलंगी क्या होती है। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह आप भी कर सकते हैं। आपको कहीं से बीज ना मिले तो आप पनसा, किसी भी मोतबर पनसा स्टोर से ये बीज ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह अपने बगीचे में, अपने लान में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो जंगली हैं, जिनको आपकी ख्वाहिश है देखने की लेकिन आप देख नहीं सकते, तो इस तरह थोड़ी सी मेहनत करके आप उनको, उनकी सही शक्ल सूरत देख सकते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला शलंगी की बरों की सही शक्ल सूरत हम आपको दिखाएंगे और उसके सही सही फ़ायदे भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो इस तरह बहुत सारी जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही तरह आप उनको देख सकते हैं। इस तरह आप अपने लान में, अपने बगीचे में, अपने खेतों खलिहान में, अपने घर में, अगर नहीं जगह तो आप गमलों में इन बूटियों को आप लगा सकते हैं। तो बहुत ही थोड़ा सा पानी और देना बेटा। तो ज़रूर इस तरह का आप अमल कीजिएगा, तो बहुत सारी जड़ी बूटियों को आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।